बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, डिलीशियस सा चने की दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से सेम ढाबा स्टाइल बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा चने की दाल गोश्त बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट के अंदर तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो तेल ले लिया। तेल को अच्छा सा हमने गर्म कर लिया। इसके अंदर हमने तकरीबन भी दो अदद जो है वो मीडियम साइज की प्याज को अच्छा सा कट करके ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद प्याज को लाइट से शैलो सफाई करेंगे, ज़्यादा डार्क सफाई नहीं करेंगे। जब प्याज जो है वो नरम सी हो जाएगी, अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाएगा, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो बीफ ऐड कर देंगे। तो बीफ मैं यहाँ पे जो है वो हाफ के जी के करीब ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको हाफ के जी जो है वो चने की दाल और गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ के जी गोश्त ऐड कर दिया, तो हाफ के जी ही मैं यहाँ पे जो है वो दाल ऐड करूँगी। तो इस तरह से टोटल मिला के हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर सालन बन के रेडी हो जाएगा, एक किलो से थोड़ा सा करीब करीब। तो आज मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ चने की दाल गोश्त बनाने की। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। जब बीफ का अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा और जो है वो इस स्टेज पर आके हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। तकरीबन भी मैंने हाफ के जी बीफ में यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि एक स्मेल सी होती है बीफ में। तो आप लहसुन अदरक के पेस्ट का जो है वो कच्चापन दूर तभी कर सकते हैं जब जो है वो बीफ की स्मेल ख़त्म होगी। तो आप जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बीफ में ज़्यादा से ही ऐड किया करें, इससे एक अच्छी सी स्मेल जो है वो बीफ की ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो बीफ के अंदर आ जाता है। जब लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाएगा, इसके साथ इसके अंदर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून भर के मिर्ची पाउडर ऐड करना है, रेड मिर्ची तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कम्बाइन करेंगे। तमाम मसालों को बीफ के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब तमाम मसाले बीफ के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, वेल कम्बाइन हो जाएंगे, अच्छा सा जो है वो बीफ पानी इंक्रीज़ करने लगेगा, तो इस स्टेज पे आके इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसकी जो है वो प्यूरी बना के रेडी कर ली। तो इस स्टेज पे आके 1 कटोरी के करीब हम जो है वो यहाँ पर टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर हम 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और ढक्कन बंद करके अच्छा सा जो है वो कुक होने के लिए 30 से 35 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तकरीबन भी 2 से 3 गिलास के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से गोश्त हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर और जूसी सा हो जाएगा। बड़ी इलायची हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और गोश्त की स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी अगर हम बड़ी इलायची ऐड करते हैं। तो तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के दौरान हमने जो है वो इसे अच्छा सा कुक करके बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन बंद करके कुक किया। देख सकते हैं आप ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है, गोश्त भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है और देख सकते हैं आप मसाला भी कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पर आके इसे अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे थोड़ा बहुत। इसके बाद जो है वो इसके साथ इसके अंदर हम तकरीबन भी 1/2 kg बॉईल की हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। अगर आपने बॉईल की हुई नहीं ऐड करनी है तो आप जब गोश्त को गलाने के लिए छोड़ रहे हो उसके साथ ही आप जो है वो चने की दाल ऐड कर दीजिएगा, तो साथ साथ आपकी दाल भी गल जाएगी और गोश्त भी गल जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखनी है तो आप इस स्टेज पर आके बॉयल करके जो है वो आप यहाँ पर दाल ऐड करेंगे। तो जब तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे, यानी कि गोश्त के अंदर दाल ऐड कर देंगे, तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के हाथ से क्रश करके यहाँ पर हम जो है वो कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, एक अच्छा सा खाने के अंदर खुशबू देने के लिए हम यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी हमारी जो है वो चना दाल गोश्त बनके रेडी हो चुकी है ढक्कन बंद करके। तकरीबन भी इसे हम 5 से 7 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे। इस तरह से तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छा सा जो है वो दाल गोश्त के अंदर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन सी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी हमारी जो है वो चना दाल गोश्त बन के रेडी हो चुकी है।
मेरी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी आपकी जो है वो ये चना दाल गोश्त बन के रेडी होगी। सेम ढाबों पे यही प्रोसेस करके बनाया जाता है। दाल को जो है वो बॉईल करके ही रख लिया जाता है और एंड में इस तरह से ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप शुरू में जो है वो दाल को ऐड कर देंगे तो दाल जो है वो बिल्कुल घुट सी जाती है, तो वो फ्लेवर नहीं आता जो इस स्टेज पर आता है। लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे और आप थोड़ी सी जो है वो पतली सी यानी कि थोड़ी सी नरम सी दाल रखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो शुरू में ही जब आप बीफ ऐड करेंगी तो तभी आप ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आपकी दाल भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी और कम ही टाइम में यानी कि एक ही टाइम में आपकी दाल भी गल जाएगी और गोश्त भी गल जाएगा, क्योंकि चने की दाल को भी जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप इस स्टेज पे आके जो है वो ऐड कर भी सकते हैं शुरू में, लेकिन अगर आप अलग से बॉयल करके ऐड करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी तब भी बन के रेडी हो सकती है। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी डिलिशियस सी, और देख सकते हैं आप कितनी कलरफुल सी हमारी जो है वो चना दाल गोश्त बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।